आज हम देखते हैं शब्द रचना। ओके, तो शब्द जो है वो क्या है, शब्द जो है वो क्या है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल कहो या समूह कहो, ओके, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे ले लो गीता, ओके, जैसे ये है गीता। तो ये तो गीता है, और इसको हम उल्टा के लिखेंगे अगर ता अगी लिखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई अर्थ है? तो ये जो है ये शब्द हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। तो शब्द जो है वो दो रूपों में बांटा गया है, शब्द के रूप जो है वो दो हैं। अब कौन कौन है चलिए हम देखते हैं। शब्द का पहला रूप है वो है सार्थक एंड दूसरा रूप है वो है निरर्थक। ओके, शब्द का जो रूप है वो पहला है सार्थक एंड दूसरा है निरर्थक। ओके, तो सार्थक शब्द का जो है वो उसको ना पांच भेदों में बांटा गया है, पांच प्रकार से बांटा गया है। ओके, शब्द है उसको पांच प्रकार से बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पे, एंड दूसरा है उत्पत्ति या जन्म के आधार पे, एंड तीसरा है विकार या प्रयोग के आधार पे, एंड चौथा है काव्य शास्त्री के आधार पे, एंड पांचवा है अर्थ के आधार पे। ओके, तो पहले जो है हम देखते हैं काव्य शास्त्री के आधार पे। ओके, पहले हम काव्य शास्त्री के आधार पे देखेंगे। काव्य छोड़ दो अभी, पहले रचना के ही आधार पे देखो। ओके, रचना के ही आधार पे, तो रचना के आधार पर जो है वो तीन रूपों में बांटा गया है। रचना के आधार पे शब्द जो है वो शब्द का तीन रूप होता है। पहला होता है रूट शब्द, एंड दूसरा होता है योग रूट शब्द, एंड तीसरा होता है यौगिक शब्द। ओके, तो पहला जो है रूट शब्द है वो रूट शब्द क्या है, पहला जो है वो रूट शब्द है वो रूट शब्द क्या होता है। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, जिसे विभाजन नहीं किया जा सके, उसे हम रूट शब्द कहते हैं। ओके, जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसको हम सार्थक बोलते हैं। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, जिसे विभाजन नहीं किया जा सके, उसे हम रूट शब्द कहते हैं। ओके, ये रूट शब्द कौन है चलिए हम देखते हैं, ये रूट शब्द क्या है। तो जैसे नाक, यहाँ पे नाक है उसको अगर अलग करो, ना जोड़ को लिखोगे तो ना का कोई अर्थ निकला है? नहीं निकला है। क का भी नहीं निकला है, तो ये दोनों का कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये अलग नहीं हो सकता है। जो शब्द अलग नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं रूट शब्द। ओके, जो शब्द अलग नहीं हो सकता है उसे हम रूट शब्द कहते हैं। जैसे आंगन, पुस्तक, कार, ओके, ये जो शब्द है वो अलग नहीं हो सकता है। ओके, तो आप उसको ऐसे समझोगे मन में, जो शब्द तुम अलग करके देखना, अगर अलग नहीं होगा ना तो वह रूट शब्द है। योग रूट शब्द क्या है, योग रूट शब्द जो है वो क्या है? तो जब दो रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ
देता है। जब दो रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है उसे ही हम कहते हैं योग रूट शब्द। आप जैसे ये याद रखो, आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कोई भी इंसान अगर बात करता है, कोई शब्द अगर बोल दे और आपका ध्यान दूसरे जगह पहुंच जाए, ओके। जैसे आप लो यहाँ पर दिया हुआ है लंबोदर, तो लंबोदर जो है तुम्हारा ध्यान कहाँ पहुँचा है? गणेश जी पर ना। तो ऐसे शब्द को जो है हम योग रूट कहते हैं, ओके। आप पंकज ले लो, पंकज शब्द है, ओके। पंकज जो है वो भी शब्द है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पहुँचा है? तो ऐसे शब्द को हम योग रूट शब्द कहते हैं। दशानंद ले लो, जलज ले लो, दशानंद ले लो, तुम्हारा ध्यान जो है कहाँ पहुँचा है? तो तुम्हारा ध्यान जो है वो रावण पर पहुँचा है ना, रावण पर पहुँचा है ना तुम्हारा ध्यान। तो ये जो शब्द है वो है योग रूट शब्द, ओके। ऐसे शब्द को हम रूट शब्द कहते हैं, ईश्वर योग रूट शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द हम देखते हैं, यौगिक शब्द जो है वो क्या है, ओके। यौगिक जो शब्द है वो क्या शब्द है, चलिए हम देखते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो है वो क्या है देखते हैं। तो जब दो रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ नहीं देता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जब दो रूट शब्द कोई तीसरा अर्थ नहीं देता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे दूध वाला, पीलापन, डाकघर, विद्यालय, ये तो हम देख लिए, लेकिन हम शब्द याद रखेंगे क्या? नहीं, याद आपको नहीं रखना। तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे, जो अगर कोई बोलता है कुछ भी तो तुम्हारा ध्यान जो है उसी पर अटका हुआ है। मतलब कोई बोल दे दूध वाला आया हुआ है, दूध ले लो, तो कहाँ ध्यान गया है? जो दूध वाला लेकर आया होगा वहीं पर ध्यान आ गया है, घर के बाहर है, तुम्हारा ध्यान तो वहाँ तो नहीं गया। जहाँ पे दूध बिकता होगा वहीं पे ध्यान गया है तुम्हारा। तो ऐसे शब्द को हम जो है कहते हैं यौगिक शब्द, ओके। अब जो है उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पे जो है वो शब्दों को पांच रूपों में बांटा गया है। उत्पत्ति या जन्म के आधार पे शब्दों को पांच रूपों में बांटा गया है। कौन कौन है चलिए देखते हैं। लेकिन लेकिन बुक में आपको चार ही दिया रहेगा, जो बड़ा बुक रहता है ना उसमें जो है दिया रहता है, जो बड़ा बुक रहता है ना उसमें जो है उसका भेद जो है वो पांच दिया रहता है। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द जो है उसके पांच भेद होते हैं, लेकिन चार भेद ही माना जाता है, ओके। तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसको हम देखते हैं क्या होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो है पांच वो होते हैं, ये तो हम जानते हैं, ओके। ये तो ये जो है वो हम जानते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, वे पहला है तत्सम, पहला है तत्सम, दूसरा है
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा है तद्भव एंड तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज एंड पांचवा है शंकर। ओके, तो तत्सम शब्द क्या है? ये तत् जोड़ सम, ये जो निकला है तत् जोड़ सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी हिंदी में, यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, या हम जानते हैं। ओके, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, ये हम जानते हैं, बुक में भी है इसका डिफिनेशन। इसको हम याद कैसे रखेंगे वो आप देखो। ओके, वो आप देखो, इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो जो शब्द हम बोलते हैं उसका अगर सीधा रूप, ओके, जो शब्द हम बोलते हैं उसको संस्कृत में देखो कैसे उपयोग होता है। राम, राम का रूप, राम का जो है संस्कृत में कैसे उपयोग हुआ है, उसको भी तो हम राम ही बोलते हैं ना संस्कृत में। लक्ष्मण, ओके, लक्ष्मण का रूप संस्कृत में क्या हो जाएगा, उसको भी हम लक्ष्मणे ही बोलेंगे। ओके, तो ऐसे शब्द को हम जो है ना तत्सम शब्द कहते हैं, जो हिंदी में उपयोग होता है और उसका उपयोग संस्कृत में भी होता है, तो ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, जैसे है कवि, माता, विद्या, नदी, फल आदि। ओके, तो ऐसे शब्द को जो है हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं। ओके,